गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, सुंदर सा फ्लावर पॉट बना लो या फिर बकेट बना लो, छोटी सी डलिया बना लो उसमें अपना सामान रखने के लिए। तो ये न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने बनाई है। इस तरह से न्यूज़पेपर के लंबे लंबे पीस कर लो, जितने लंबाई में चाहिए उतने लंबे पीस कर लो, और पेंसिल की हेल्प से इस तरह से रोल करो। और रोल करने के बाद में आपको एक लंबी सी स्टिक मिल जाएगी। और इसके लास्ट में अगर आपको और लंबा बनाना है तो इस तरह से जोड़ लो, और नहीं लंबा बनाना है तो इसे आप इस तरह से फेविकोल से या फेवी बॉन्ड से चिपका लो। इस तरह से चिपकाने के बाद में फिर इसे रोल करो, इस तरह से चिपका लो। चिपकाने के बाद में इस तरह से रोल करो, रोल करने के बाद में इस तरह से रोल करो, रोल करने के बाद में इसे दलिया का शेप दे देंगे। और ये भी मैं बना रही हूँ, जो चौकोर बनाए उसके लिए बनाने के लिए पेंसिल की हेल्प से आप जितना लंबा चाहिए उतना लंबा बना के, और किसी चौकोर चीज़ में इस तरह से लपेट लो, दो तीन लपेट लगा के, दो तीन राउंड लगा के आपको चौकोर शेप इस टाइप के तैयार हो जाएंगे। और ये देखो मैंने डलिया बना ली और पेंट भी कर लिया है। इस तरह से डलिया बना के पेंट कर लो ये ऐसे, और फिर से चिपका दो। सारे ही पेंट कर लो, जितने भी न्यूज़पेपर के हमने ये रोल बनाए हैं वो भी, और ये बकेट टाइप की बनाई वो भी। और इस तरह से फेवी गम की सहायता से, फेवी को से नहीं चिपकेगा ये फेवी बॉन्ड जो होता नहीं है, फेवी बॉन्ड उसकी हेल्प से ये चिपकेगा। तो आप उसे ऐसे चिपका लो, और बहुत पेशेंस के साथ चिपकाओ आप, वरना ये चिपकेगा नहीं, बार बार निकलता रहेगा। तो देखो थोड़ी सी हेल्प से, थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस तरह से डलिया बना लो। फ्रेंड्स, आइडिया अच्छा लगे, क्रिएटिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसमें आप दीपावली के लिए फ्लावर्स भी रख सकते हो, कैंडल भी लगा सकते हो, कुछ भी इसका यूज़ कर सकते हो। मेरी जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।